दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स के बारे में लाइक विप्रो लिमिटेड के बारे में, साथ ही साथ यहां पर बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, इंडिया मार्ट के बारे में और इन्हीं के साथ में दो और शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आज के दिन हमें काफी बड़ी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं विप्रो लिमिटेड के साथ में, क्योंकि विप्रो लिमिटेड के अंदर पिछले एक महीने से हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज के दिन विप्रो लिमिटेड की तरफ से एक नहीं बल्कि दो बड़ी शानदार खुशखबरी निकलकर आई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अप स्टॉक जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में, जहां एक तरफ आज के दिन हमें मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वहीं विप्रो लिमिटेड के अंदर आज के दिन भी हमें लगभग 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में ये शेयर लगभग 26% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर इस शेयर के अंदर हमें लगभग 20% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 700 रुपये से स्टार्ट हुई थी गिरावट, जो कि अब 560 रुपये तक आ चुकी है और यहाँ पर भी अभी भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपने स्ट्रांग पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जिसमें विप्रो लिमिटेड के अंदर आपको एक मौका मिल रहा है बाय ऑन डिप करते हुए चलने का। चलिए सबसे पहले मैं आपको विप्रो लिमिटेड की तरफ से जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2022 आज ही के दिन की ये न्यूज है, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 83.4% इक्विटी स्टेक इन एनकोर थेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि काफी बड़ी एक्विजिशन कंपनी की तरफ से हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कंपनी ने यहां पर ये श्योर कर दिया है कि उन्होंने जो ये एक्विजिशंस थी वो यहां पर कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं द कंपनी हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ एडिशनल 13.3 इक्विटी स्टेक इन एनकोर थेम यस्टरडे। तो यहां पर पहले जो कंपनी ने 83.4% का स्टेक एक्वायर किया था, अब कंपनी ने 96.7% का स्टेक इस कंपनी के अंदर एक्वायर कर लिया है एंड द रिमेनिंग 3.3% इक्विटी स्टेक विल बी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू एंड आफ्टर रिसिपिएंट ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो यहां पर कंपनी पूरी तरीके से यानी कि 100% एक्विजिशंस यहां पर करने वाली है एनकोर थीम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें से 96.7% तो एक्विजिशंस यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। वहीं अनदर न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2022 आज के दिन की यह न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें विप्रो अवॉर्डेड द पेलो अल्टो नेटवर्क्स EMES सिस्टम इनिग्रेटर पार्टनर ऑफ द ईयर। तो काफ़ी बड़े अचीवमेंट यहां पर कंपनी के हाथ लग रहे हैं। साथ ही साथ दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी जो विप्रो लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है, जहां कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार तरीके से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यदि आप विप्रो लिमिटेड के अंदर बने हुए हैं तो यहाँ पर आप अपने एवरेज को बेटर कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश पोजिशंस बनाना चाहते हैं तो इससे सही अपॉर्चुनिटी आपको बाद में कभी नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आप बाय एंड डिप करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है इंडिया मार्ट लिमिटेड। जी हां दोस्तों, आज के दिन हमें इंडिया मार्ट के अंदर लगभग 14% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह हमें देखने को मिल रही है। इंडिया मार्ट ने इस साल अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा निराश किया है, जहां पिछले 5 दिन में हमें शेयर्स के अंदर लगभग 23% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं पिछले एक साल में भी कंपनी ने लगभग 37% तक की गिरावट यहां पर बनाई है। बात करें इंडिया मार्ट की गिरावट के पीछे सबसे मेन रीजन जो देखने को मिल रहा है वो है इसका Q3 का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 12% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी ने 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें 80 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का गिरावट के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी देखी जा रही है। साथ ही साथ इंडिया मार्ट के अंदर आज के दिन हमें एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्ट ने किया है। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 61.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट व्यापार एप्स के अंदर हमें इंडिया मार्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है, और अगर व्यापार एप्स के वैल्यूएशन की बात करी जाए तो लगभग 883 करोड़ रुपए की इस ऐप की वैल्यूएशन है, जिसमें लगभग 61 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज के दिन इंडिया मार्ट ने किया है। देख सकते हैं आज ही के दिन की यह न्यूज निकल कर आई है।
वो एक और बड़ी अपडेट आज ही के दिन हमें देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया मार्ट इंटरमेश टू एक्वायर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बिजी इंफोटेक। तो यहां पर दो बड़ी एक्विजिशन आज के दिन हमें इंडिया मार्ट के अंदर भी देखने को मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो गिरावट बन रही है ये क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नंबर्स के कारण बन रही है। तो यदि आप इंडिया मार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप यहां पर अपनी पोजिशंस को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, जिस कारण से यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पस से यहां पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके और हमारे फेवरेट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर की नंबर वन कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 5% का लोअर सर्किट लगने के बाद अगेन यहां पर लोअर सर्किट खुलता है और लगभग 1.5% तक की शानदार तेजी आज हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिल जाती है। वहीं आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है। उस न्यूज़ की बात करें उसके पहले यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी देखेंगे तो जहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 51% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 88% से हमें शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2022 आज ही के दिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से काफ़ी बड़े टारगेट प्राइस ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर निकल कर आए हैं। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फर्म की तरफ से यहां पर ट्राइडेंट को लेकर लगभग 15% अपसाइड मूवमेंट यहां पर बताए गए हैं। और जिस प्रकार से टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर ट्राइडेंट की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से डिमांड देखने को मिल रही है, यहां पर शॉर्ट टर्म में जो मोतीलाल ओसवाल फर्म है उन्होंने ट्राइडेंट को लेकर 73 रुपीज के टारगेट प्राइस दिए हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट के अंदर 59 रुपीज का सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और यहीं से एक बड़ा रिवर्सल भी आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिल चुका है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी को एंटर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप कंपनी को इंटर करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली ट्राइडेंट को भी आप पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप के नंबर वन शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर आज के दिन तो हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है वो TCS के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आज के दिन हमें टोटल दो न्यूज़ TCS की तरफ से देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2022, जिसमें TCS इज़ अ लॉन्च पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेलर्स। जी हाँ दोस्तों, रिटेल लेकर यहाँ पर कंपनी ने अपने जो कोलैबोरेशन है उसको एक्सपांड कर दिया है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको कल के दिन यानी कि 27 जनवरी के दिन जब मार्केट ओपन होगा आपको एक पॉजिटिव आउटकम्स कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। अनदर न्यूज़ की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, TCS रैंक अमंग द टॉप 5 ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइडर बाय HFS रिसर्च। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े अचीवमेंट हमें दोनों IT सेक्टर कंपनियों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लाइक विप्रो लिमिटेड और साथ ही साथ यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में, जहां कंपनी का रेवेन्यू लगभग 16% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 12% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी सेफेस्ट शेयर्स को ऐड करना चाहते हैं, IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप TCS को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में जहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है गुडशेम डिस्टिलर्स इंडिया लिमिटेड। देख सकते हैं आप 25 जनवरी 2022, रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी यहां पर अनाउंस कर दिए हैं अभी कुछ देर पहले ही, और साथ ही साथ कंपनी ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी 1:10 के रेशो का स्प्लिट देने जा रही है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 10 शेयर, हर 10 शेयर के बदले 100 शेयर और हर 100 शेयर के बदले 1000 शेयर्स कंपनी यहां पर देने जा रही है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी कंपनी स्प्लिट अनाउंस करती है। अब बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो सारे फिगर्स आपको यहां पर रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिलने वाले हैं, जहां सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी को जो इनकम यहां पर जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी इनकम अदर इनकम से जनरेट हो रही है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर हमें 0 देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 1,81,000 रुपये की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट करी है और उसके सामने कंपनी की अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2,78,000 रुपये का नेट लॉस कंपनी ने डिक्लेयर किया है।
वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 278,000 का कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। इस रिजल्ट के बावजूद आज के दिन हमें शेयर के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ शेयर्स 210 रुपये की प्राइस पर पहुंच चुका है। वहीं पिछले एक महीने में ये शेयर ने लगभग 50% तक के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कंपनी बिल्कुल भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक पैरामीटर्स जो है वो कंपनी के पक्ष में जाते हैं, वो है कंपनी 100% डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्ज नहीं है और इनकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिलती है। बात करें कंपनी करती क्या है, तो गुड्स शेम डिस्टिलर्स इंडिया इज प्राइमरली इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड एसिलराइड एसिड एंड केमिकल्स। 3 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्ज नहीं है। वहीं साथ ही साथ कंपनी के ऊपर 3,83,00,000 रुपए के हेल्दी रिजर्व भी हैं कंपनी के पास में, और साथ ही साथ लगभग 57% का स्टेक हमें यहां पर प्रमोटर्स के पास में देखने को मिलता है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और अगर स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए मैं इस शेयर के अंदर आपको अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो इनकम जनरेट हो रही है, वो कंपनी के प्राइमरी कोर बिजनेस से नहीं बल्कि अदर इनकम से जनरेट हो रही है। तो ऐसे शेयर से आपको थोड़ा सा यहां पर बचकर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।